आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, एक भाई साहब हैं, इनका नाम है हैरी एंड्रयूज। पढ़िए मत, मैं समझा देता हूँ। ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे 1903 के अंदर। वाई पुअर बिकम पुअर, वाई मिडिल क्लास बिकम मिडिल क्लास। मेरे आसपास का सर्कल, मेरे आसपास के दोस्त सब वैसे ही हैं जैसे मैं छोड़ के आया था। मैंने अपना करियर शुरू किया सेकेंड हैंड स्कूटर से। टुडे आई एम ड्राइविंग एस क्लास मर्सिडीज। बट मैं, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, जो मेरे संगी साथी थे, मैं नॉर्मल लाइफ ही देखता हूँ उनकी, और मैं भी वैसी ही लाइफ जीता अगर मेरे थॉट प्रोसेस में वही सब होता जो उनके थॉट प्रोसेस में था। और उसको एक वर्ड बोलता हूँ मैं, और वो है बिलीव सिस्टम। आर यू विद मी? क्या बोलते हैं? बिलीव सिस्टम। तो हैरी एंड्रयूज ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे 1903 के अंदर। इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, ध्यान से सुनिए, कि इस दुनिया को बुरे लोगों ने उतना तंग नहीं किया जितना अच्छे लोगों ने किया है। इस दुनिया को बर्बाद करने में बुरे लोगों का उतना हाथ नहीं है जितना भाई अनपढ़ गवार आदमी चोरी करेगा, लाख दो लाख पांच लाख की करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट चोरी करेगा तो 100 करोड़ की करेगा। डोंट टेक मी रॉन्ग, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हेलो, आर यू विद मी? पढ़ा लिखा चोरी करेगा, डकैती डालेगा तो शायद बड़ा करेगा। तो इस दुनिया को बुरे लोगों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अच्छे लोगों ने पहुंचाया। तो हैरी एंड्रयूज ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे। इस महामानव ने क्या किया, 1903 में एक स्टेटमेंट पास किया। इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी फिजिकली इतना केपेबल नहीं होता कि वो 1 मील की यात्रा बिफोर 4 मिनट कंप्लीट कर सके। मैं रिपीट करता हूं, इसने कहा फिजिकली कोई भी आदमी इतना टैलेंटेड और इतना केपेबल नहीं हो सकता कि 1 मील की जो यात्रा है, 1 माइल जर्नी, वो 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके। और जब बड़ा आदमी बात बोलता है सब लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, कम ऑन, क्या यार इतने बड़ा आदमी ने बात बोला, स्पोर्ट्स का आदमी है, ब्रिटिश ओलंपिक का कोच है, तो हल्का आदमी हो नहीं सकता। तो बिलीव किया इसकी बात पर। और मैं आपको बता दूं, साइंस ने ठप्पा लगाया। साइंस ने कहा, साइंस एग्रीड विद द स्टेटमेंट एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू ओवरकम दैट फीट, द ह्यूमन बॉडी वुड सपोर्ट सच एन एफर्ट एंड हर्ड लिटरली एक्सप्लोड। साइंस ने कहा किसी आदमी ने गलती से भी ये करने की कोशिश करी तो उसके दिल में विस्फोट हो सकता है, कि दिल जो है इतनी तेज से पंप होगा कि फट सकता है। तो कोई भी आदमी 1 मील की यात्रा को बिफोर 4 मिनट कंप्लीट करने का अटेम्प्ट ही नहीं करे। साइंस ने ठप्पा लगा दे, इतना बड़ा आदमी बोलने लगा, लोगों ने बोला बिल्कुल बात ठीक है। 1903 से लेकर 1956 तक हजारों एथलीट ट्रैक पर दौड़े, लाखों एथलीट ट्रैक पर दौड़े, और 1 माइल का जो रिकॉर्ड था वो था 4 मिनट 12 सेकंड, 4 मिनट 13 सेकंड, 4 मिनट 14 सेकंड, 4 मिनट 15 सेकंड। नोबडी इज एबल टू टच द बेंचमार्क ऑफ 1 माइल जर्नी बिफोर 4। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। इन 1956 रॉजर बेनिस्टर केम टू एक्शन। रॉजर बेनिस्टर ने कहा कि भाड़ में गया हैरी एंड्रयूज, मैं किसी हैरी एंड्रयूज को नहीं मानता, मैं इसको जानता नहीं, मैं इससे मानता नहीं, मैं इससे बात नहीं करता, मैं इसकी सुनता नहीं हूं, मैं 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट करूंगा। उसने कहा तू पागल है, अगर हैरी एंड्रयूज झूठ बोल रहा होता तो 53 साल में कोई ना कोई तो ऐसा किसी ने नहीं किया, इसका मतलब ये बात सच है। उसने बोला किसी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी ने अटेम्प्ट ही, क्योंकि सबको डर था, एक फियर था कि ऐसा करने से दिल फट सकता है, जान जा सकती है। तो रॉजर बेनिस्टर केम टू एक्शन 1956, लेडीज एंड जेंटलमैन, और रॉजर बेनिस्टर ने इतिहास रच दिया। रॉजर बेनिस्टर ने इतिहास रखा और 1 मील की यात्रा को 3 मिनट और 39 सेकंड के अंदर, 59 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया। हालांकि 1 सेकंड का फर्क था, लेकिन वो 1 माइल का जो बैरियर था वो 1956 के अंदर टूट गया। न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क कि सारे के सारे मेन पेजेस के ऊपर रॉजर बेनिस्टर का तस्वीर था। ये इवेंट आज भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, मोर ऑफ द स्टोरी इस लाइन के बाद है जो मैं बोलने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं। आफ्टर 1956 टिल टुडे 22,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इवन स्कूल गोइंग किड्स। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट चेंज आफ्टर 1956? इज द बिलीव सिस्टम, इफ वन कैन डू, कम ऑन, एनीबॉडी कैन डू। 1903 से लेकर 1956 तक जो लोग ट्रैक पर दौड़ते थे तो उनके बिलीव में एक चीज थी कि आज तक नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। 56 के बाद जब लोग ट्रैक पर दौड़े तो उनके बिलीव में था कि अगर रॉजर कर सकता है, कमान, कोई भी कर सकता है। 22,000 लोग, और आज की डेट में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 माइल, वो 3 मिनट 43 सेकंड का है। लेडीज एंड जेंटलमैन,
17 सेकंड इज अ ह्यूज ह्यूज टाइम स्पैन इन स्पोर्ट्स. 17 सेकंड बहुत होते हैं, मिली सेकंड से लोग फर्स्ट और सेकंड आते हैं. आर यू विद मी? सारा का सारा खेल किस चीज का है? कम ऑन, माइंड सेट का है. तो हम जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, हमारा माइंड सेट ही साला ऐसा होता है. पांच लोग सीसीटी में बैठ के मिडिल क्लास फैमिली के लोग डिस्कशन क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं. आई बिलोंग टू अ पुअर मिडिल क्लास. चिकन तू लाइयो, दारू मैं लानी आज. हा? कल मैंने पिलाई थी, आज Nobody is discussing about making a turnover of 50 CR or 100 CR or 200 CR. अगर गलती से कोई ऐसा dream बता भी दे पांच लोगों के बीच में कि I want to big a company of 200 crore rupees और बाकी चार बोलेंगे तू ज्यादा पी लिया, तूने तेरे बाप ने करी आज तक ऐसा, तो वो चड्डी में बम लगाने वाले लोग ज्यादा हैं और रिमोट अपने हाथ में रखते हैं ऐसे कि तू बोल और मैं दबाऊं. कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी रिपीट, यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. आप पांच लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप जिंदगी बिताते हैं. और हम मिडिल क्लास फैमिली लोगों की मुसीबत यह है कि हमारे आजू बाजू में सब इसी तरह के लोग होते हैं. हेलो, जितनी चादर उत्ता पैर, ऐसा डायलॉग हमको बचपन से सिखाया गया है. मैंने नया नया सेंट्रो खरीदा उस दौर के अंदर, तो मेरे पापा ने बोला गाड़ी लेना आसान है, तेल तेरा बाप भरवाएगा. हु विल रिफिल द फ्यूल? गाड़ी तो बहुत आसान है. तो एप्रिसिएशन कम होता है और के बाद करीब करीब 22,000 लोग इस एक्टिविटी को कर गए. स्कूल जाने वाले बच्चे इसमें शामिल हैं, 10th क्लास के बच्चे इसमें शामिल हैं. क्या 1903 में अगर किसी 10th क्लास के बच्चे को बोला जाता वो एक्टिविटी अटेम्प्ट करता? तो आंसर है नो. कर सकता था? तो आंसर है यस. ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि कोई ना कोई रोल मॉडल उनके सामने खड़ा नहीं है उनको बताने के लिए यू कैन डू इट.